बिहार की जनता इनको एकदम हिला के एकदम बिल्कुल उठा पटक करके हटा करके अध्यादेश में जिसको मुख्यमंत्री बनाए। देश के देश को तोड़ने वाले लोग अंग्रेज के दलाल लोग। अंग्रेज तो चला गया लेकिन अपने चेलों को छोड़ के गया है। अंग्रेज के चेलों से आजाद नहीं कराया जाएगा, हम चैन से नहीं बैठे। जो अडानी और अंबानी के लोग हैं, चंद मुट्ठी और पूंजीपतियों के लोग हैं, बड़ा बड़ा मॉल बनवा देंगे। गरीबों को उजाड़ने वाला भाजपा, ये गांधी का देश है, सबको अधिकार है यहाँ रहने का, आप गरीबों को कैसे उजाड़। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूँ जय शुक्ला। देखिए, राजद के नवनिर्वाचित MLC कारी सोहिब गया में थे। गया में उन्होंने एक बड़ा दावा किया है और दावा यह है कि तेजस्वी यादव को हर हाल में बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है। इसके अलावा कारी सोहेब ने BJP को भी निशाने पर लिया और ये कहा कि BJP अगर किसी से डरती है तो वो है सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव की पार्टी। कारी सोहेब, हम आपको बता दें कि राजद के जो हैं युवा प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और नवनिर्वाचित जो हैं राजद की ओर से MLC भी हैं और उन्होंने बड़ा दावा गया में किया है, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। देखिए, सरकार तो हमारी बनी हुई थी, भाजपा ने गठबंधन करके लश्कर मिशन को हरा दिया, लेकिन जनता आज भी तेजस्वी जी को अपना मुख्यमंत्री मानती है। सरकार तो जिस वक्त जो है सत्ता जनता चाहेगी, देखिए कभी भी जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करती। बिहार की जनता इनको एकदम हिला के एकदम बिल्कुल उठा पटक करके हटा करके तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाया। कहा है कि RJD ने वो काम किया है जो बाबरी मस्जिद तोड़ा था, उससे भी बड़ा काम किया है हमारी पार्टी को तोड़के। जैसे लोग भी कहां से कहां मिला रहे हैं बात को, वो कहां से गए थे, वो कहां कहां गए हैं, इसी राष्ट्रीय जनता दल से पैदा हुए हैं वो। अगर राष्ट्रीय जनता दल नहीं होता तो अख्तर रिमान और कारी सोहेब और मुन्नी देवी और शिवचंद्र राम और फलाना कोई सोच भी नहीं सकता था कि MLA और MLC हो जाए। इसलिए आदमी को हो सकता है कि आप कुछ दिन के बाद देखिए, एक बात मैं बता देता हूं, आप जो भी देश की सोच रहा है, देश को जो बचाना चाहता है, वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ आके खड़ा होगा। मैं बधाई देना चाहता हूं चारों MLA को जिन्होंने सीमांचल की आवाज को सुना, सीमांचल की जरूरत को सुना, क्योंकि इस वक्त देश बचाने की जरूरत है। उन्होंने आवेदन दिया कि मैं तेजस्वी यादव जी के साथ कंधा से कंधा मिला के भाजपा की जहरीली राजनीति के खिलाफ मैं लड़ना चाहता हूं और देश को मैं भाजपा से आजाद कराना चाहता हूं। मैं एक्सेप्ट किया। हो सकता है कल अख्तरुलईमान साहब भी चाहें तो हमारे साथ आए, घर वापसी करके वो भी लड़ाई लड़े। आज जो ताजा घटनाक्रम है उसमें RCP सिंह BJP के नेशनल स्टेटिव के मीटिंग में शामिल हुए, RJD की क्या प्रतिक्रिया है? RJD की इसमें क्या प्रतिक्रिया, उनका आपस का मामला है, दोनों गठबंधन में हैं। अब एक बात समझिए, यहाँ भाजपा RSS को जगह किसने दिया? क्या लालू यादव जी के राज में, राबड़ी मैडम के राज में प्रवीण तोगाड़िया की हिम्मत थी कि एयरपोर्ट से बाहर आ जाए? किसी RSS वाले की हिम्मत थी कि गांधी मैदान में परेड भी कर ले? किसी देश विरोधी ताकत थी, ऐसी कोई हिम्मत थी किसी की क्या करके यहाँ खुले मैदान में बोल सके? ये सब देश को तोड़ने वाले लोग, अंग्रेज के दलाल लोग। अंग्रेज तो चला गया लेकिन अपने चेलों को छोड़ के गया है। राष्ट्रीय जनता दोनों ही चेलों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है और ये लड़ाई आसान नहीं है। तेजस्वी जी ने कहा है कि अगर हम सत्ता में भी आ जाते हैं तो भी हमारी लड़ाई लंबी होगी, क्योंकि जो भाजपा ने, अंग्रेज के चेलों ने जो जहर इस देश में घोला है, इस जहर को मिटाना आसान नहीं है, लेकिन उसको हम करके रहेंगे। राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में एक बड़ी लड़ाई लड़ेगी और जब तक अंग्रेज के चेलों से आजाद नहीं कराया जाएगा, हम चैन से नहीं बैठे। सर, पटना में कल राजीव नगर में बुलडोजर जो चला है, हाई कोर्ट में रोक लगा दी है, सभी को छोड़ने के लिए लगातार आदरणीय लालू जी, तेजस्वी जी लगातार बोलते आए कि ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, भाजपा की सरकार है। नगर विकास मंत्री कौन है? भाजपा के डिप्टी CM तारकेश्वर जी है, जो अपने आप को स्वयं संघ कहते हैं। अब समझे कि RSS गरीब विरोधी है कि नहीं? ये तो अडानी और अंबानी के लोग हैं, ये चंद मुट्ठी और पूंजीपतियों के लोग हैं, बड़ा बड़ा मॉल बनवा देंगे। गरीबों को उजाड़ने वाला भाजपा, देश की मोहब्बत में आग लगाने वाला भाजपा, इंसानियत को तार तार करने वाला भाजपा, भाजपा जो है पूरे देश के तमाम सरकारी संपत्ति को बेचने वाला भाजपा, देश की गंगा जमनी तहजीब को तार तार करने वाला भाजपा। भाजपा क्या है? सारी गंदी राजनीति का सिरमौर भाजपा। राष्ट्रीय जनता दल ऐसी किसी भी
खट्टा की निंदा करता है, गरीबों को नहीं उजाड़ सकते। यही फर्क है लालू यादव और भाजपा में। लालू यादव जी गरीबों को बसाते थे, अब जाके देख लीजिए पटना में चिथौड़ा पुल के नीचे हो या अन्य जगह हो या गया में हो चाहे प्रदेश के किसी भी जिला में, लालू जी गरीबों को बसाते थे, पूरी की पूरी टोली लेके चलते थे, टंकी लेके चलते थे, दलित बस्ती में जाकर के उनको नहलाते थे, अपने हाथों से साबुन लगाते थे, उनका बाल बनवाते थे, उनको अच्छा कपड़ा पहनाते थे और उनको कहते थे कि तुमको ऐसे जीना है, शानदार तरीके से जीना है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलेगा ये देश, किसी के बाप के संविधान से नहीं चलेगा। इसलिए आप अगर बाबा साहब अम्बेडकर का ये बनाया हुआ संविधान है, ये गांधी का देश है, सबको अधिकार है यहाँ रहने का, आप गरीबों को कैसे उजाड़। तो सुना आपने, कारी सोहेब साफ दावा कर रहे हैं तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर कई सारी बातें कह रहे हैं और कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री जब तक नहीं बना लेते हैं तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। शहर के चिरैयाटाड़ स्थित बेलागंज विधायक सुरेंद्र प्रसाद यादव के आवास पर युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष सह नवनिर्वाचित बिहार विधान परिषद सदस्य कारी सोहेब का आगमन हुआ, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी यादव के काम को लेकर सराहना की और कहा कि वो काम करने वालों को इनाम देते हैं, उन्हीं के उपलक्ष्य में युवा राष्ट्रीय जनता दल को इनाम दिया गया है। साथ ही ये भी कहा कि आज देश में हालात बड़े खराब हैं, राजद पार्टी को मजबूत होना होगा, ताकतवर होना होगा। भाजपा अगर पूरे प्रदेश में किसी से डरती है तो वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है। ये सारी बातें कारी सोहेब जो है गया में कह रहे थे और गया में ये सारी बातें कहते हुए उन्होंने बीजेपी पर भी हमला बोला और कहा कि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी से बीजेपी डरती है। युवा राजद के कार्यकर्ता ने सदस्यता अभियान भी चलाया और एक MLC लेने का काम किया है, लेकिन अब इससे काम नहीं चलने वाला है। हम लोग एक मिशन पर हैं, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का मिशन, और इस मिशन को जब तक हम पूरा नहीं कर देते हैं तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।